नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलिंगर बैंड और बोलिंगर बैंड बैंडविड्थ के बारे में कि किस तरह से इनको यूज करके आप एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर वर्क कर सकते हैं जो लोग इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोलिंगर बैंड और बोलिंगर बैंडविड्थ लगा रखा है। जिनको बोलिंगर बैंड के बारे में नहीं पता है, बोलिंगर बैंड के देखिए, बोलिंगर बैंड के टोटली तीन एलिमेंट्स होते हैं आपके। एक होता है अपर बैंड, एक होता है मिडल बैंड और एक होता है लोअर बैंड। तो जो ब्रेकआउट के ऊपर वर्क करते हैं हम, तो इन्हीं बैंड्स के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे वर्क होता है। अब यहाँ पे आप बोलिंगर बैंड के अंदर देख रहे होंगे, कहीं कहीं बोलिंगर बैंड आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा वाइड है, और उसके बाद देख रहे होंगे कहीं कहीं जो बोलिंगर बैंड है बहुत ज्यादा पतला आपको यहाँ पे शो कर रहा है, स्क्वीज हुआ हुआ आपको दिख रहा है कि जैसे किसी ने इसको प्रेस कर रखा हो, और कहीं कहीं बहुत ज्यादा फैलाव देखने के लिए मिल रहा है आपको बोलिंगर बैंड के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए मार्केट जब भी एक रेंज के अंदर फंसता है आपका, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखिए मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वन डे का चार्ट है तो मार्केट ने बहुत छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बना रखी है, आप देखेंगे मार्केट एक ही रेंज में यहाँ पे लगभग फंसा हुआ है। तो इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो बोलिंगर बैंड है वो स्क्वीज होता है, और जैसे ही मार्केट के अंदर एक रैली आती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोलिंगर बैंड जो है आपका वो फैल जाता है। सो इसी कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी आपको और एक स्कैनर आप क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इजिली ढूंढ सकते हैं कि एक रेंज के अंदर से कोई स्टॉक कब निकला और उसके ब्रेकआउट के ऊपर आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कैनर बनाने वाला हूँ जहां पे कि हम देखेंगे कि जो हमारा स्टॉक है वो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, उसे हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको इसके लिए स्ट्रिक के ऊपर, और स्ट्रिक के ऊपर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे स्कैनर के ऊपर चलता हूं मैं और क्रिएट स्कैनर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए निफ्टी 100 है, अपनी मर्जी से कोई भी अपना लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी 100 सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे टाइम फ्रेम देखिए हम डाल देते हैं वन डे का, आपकी मर्जी। अगर आप इंट्राडे में काम करते हो इंट्राडे में करिए, लेकिन अगर आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे वर्क करें, मतलब कि सीएनसी पोजीशंस के ऊपर वर्क करें, तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। चार्ट टाइप आपको कैंडलस्टिक्स रखना है। अब यहाँ पे आपको कंडीशन बनानी है। अगर आपको पिछला वीडियो याद होगा मेरा स्ट्रिक के ऊपर, तो मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर जो कंडीशन बनाई थी आपकी, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी बोलिंगर बैंडविड्थ के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन के ऊपर वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो आप देखेंगे तो उसके अंदर ज्यादा अच्छे से क्लेरिफिकेशन मैंने इस चीज का दे रखा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कंडीशन बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए पीरियड मैक्स 10, मतलब कि 10 कैंडल्स का हम पीरियड देखेंगे पिछली, उसके अंदर हमारे पास आएगा बोलिंगर बैंडविड्थ। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बोलिंगर बैंडविड्थ, और यहाँ पे हम डालेंगे ऑफसेट के अंदर, बोलिंगर बैंडविड्थ ऑफसेट के अंदर हम डालेंगे 0, मतलब कि करंट कैंडल, और यहां पे डालेंगे हम माइनस, और उसके बाद फिर हम डालेंगे बोलिंगर बैंड विथ, और यहां पे डालेंगे माइनस 1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट कैंडल के ऊपर बोलिंगर बैंडविड्थ की वैल्यू है उसे हम माइनस करेंगे किससे, माइनस 1 पिछली कैंडल से। तो वो चीज आपकी क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू आपके क्या आनी चाहिए, वो जो वैल्यू है वो आपकी आनी चाहिए लोअर देन, किसके लोअर देन होनी चाहिए आपकी 0 के नंबर, और यहां पे हम कर देंगे 0। तो ये बैंडविड्थ चीज जो नीचे वाली बैंडविड्थ है, इसको जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है आप देख रहे हैं बोलिंगर बैंडविड्थ, तो ये चीज आपकी ये है, इसे बोलते हैं बोलिंगर बैंडविड्थ। इसका अलग से एक इंडिकेटर लगता है, आप स्टडीज में जाएंगे तो देखिए आपको बोलिंगर बैंड्स और बोलिंगर बीडब्ल्यू, ये आपकी बैंडविड्थ है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इसके अंदर क्या कंसिडर कर रहा है, वैल्यू कहां से निकाल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा मूव दिया था, इसके बाद से जो आपका बोलिंगर बैंड है वो स्क्वीज हो रहा है, मतलब कि पतला हो रहा है। तो जब भी स्क्वीज होता है आपका बोलिंगर बैंड, तो जो बोलिंगर बैंडविड्थ है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और जब भी बोलिंगर बैंड एक्सपैंड होता है, मतलब कि इस तरह से, तो आपका जो बैंड है, सॉरी बोलिंगर बैंडविड्थ है, वो ऊपर की तरफ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बोलिंगर बैंड आपका एक्सपैंड हो रहा है, तो बोलिंगर बैंडविड्थ भी आपका यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और उसके बाद इस पॉइंट के बाद से आप देखेंगे तो बोलिंगर बैंड आपका स्क्वीज हो रहा है, मतलब कि पतला हो रहा है, और उसी तरह से आपका बोलिंगर बैंड भी देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा बोलिंगर बैंडविड्थ की वैल्यू, जैसे कि अभी की आप वैल्यू देखेंगे तो आपको लगभग नीचे दिख रही होगी 5.4 जो करंट वैल्यू चल रही है। अब इसके अंदर से माइनस क्या करेगा, पिछली वैल्यू, पिछली कुछ ना कुछ तो आपकी इसकी होगी, लगभग इससे ज्यादा ही होगी क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो समझ लीजिए 5.25 है। तो 5.14 में से 5.25 माइनस करेंगे आप, तो वो आपका 0 से कम होगा, माइनस के अंदर वैल्यू जाएगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि जो आपका बोलिंगर बैंड है वो स्क्वीज हो रहा है। तो इस तरह से आप अगर इसको स्कैन करेंगे, स्कैन का नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे बोलिंगर स्क्वीज हम दे देते हैं यहाँ पे, और सेव एंड बैकटेस्ट कर, सॉरी स्कैन एंड सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लिस्ट देखेंगे तो अडानी ट्रांस बर्जर पेंट कोलपाल एमआरएफ सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो एक दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके आए हैं कि ये एक
नैरो रेंज के अंदर, मतलब कि एक स्क्वीज बोलिंगर बैंड के अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ से बर्जर पेंट का तो मैंने आपको दिखाई दिया, बर्जर पेंट इसके अंदर आया है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट स्क्वीज हुआ है। पिछले 10 कैंडल्स देखे गए, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पिछले 10 दिन की कैंडल देखेगा, यहाँ से मार्केट ने लगातार आप देखेंगे बोलिंगर बैंडविड्थ के अंदर नीचे की तरफ गया है। तो यहाँ पे 10 की 10 वैल्यू आपकी, अगर आप माइनस करते हैं इसकी वैल्यूज को, बोलिंगर बैंड 0 माइनस बोलिंगर बैंड 1, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, बोलिंगर बैंडविड्थ 0 माइनस बोलिंगर बैंडविड्थ 1, बल्कि माइनस 1 पिछली कैंडल से, तो आपको जो वैल्यू है वो माइनस के अंदर मिलेगी जो कि लोअर देन होगी 0 से। तो उस कंडीशन में हमारी जो कंडीशन है स्क्वीज वाली वो सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे आपको शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर आप जो आई बटन वाला वीडियो मैंने आपको बोला था वो आप देख लेंगे मूविंग एवरेजेस का, तो आपको एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि किस तरह से इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बजट पेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, एक स्टॉक और देख लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे हम कोलपाल देख लेते हैं, कोलपाल, कोलपाल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए आपका बोलिंगर बैंड पिछले 10 के अंदर से यहाँ पे लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये भी आपका स्कैन लिस्ट के अंदर आया है। अब स्कैन लिस्ट के अंदर तो आ गया, लेकिन अब जब भी हमारे पास एक नैरो रेंज के बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलता है, जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कहीं पे हमें ब्रेकआउट 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 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिला है, इसके बाद यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला है। तो इस तरह से अगर आपको चाहिए कि एक रेंज के बाद एक ब्रेकआउट हो और उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है तो आपको उसके लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। सो उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले स्कैनर को स्ट्रेटजी में क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कन्वर्ट इनटू स्ट्रेटजी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्रेटजी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब स्ट्रेटजी के अंदर अब यहाँ पे आप स्टॉक्स के नाम अपने दे सकते हैं, जो भी आपको स्टॉक्स के नाम देने हैं। मैं अपनी फेवरेट लिस्ट यहाँ पे डाल लेता हूँ, यहाँ पे FMCG वाली लिस्ट में डाल देता हूँ। ओके, तो ये इतनी सारी स्क्रिप्ट हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम बाय करेंगे, क्वांटिटी हम यहाँ पे सिर्फ एक डाल देते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको टेस्ट करना है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में मैंने ऐसे ले ली है, इसके अंदर जो भी होगा आप देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे आ रखी है, ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर हमें क्या कंडीशन ऐड करनी है। अब ये कंडीशन आपकी है बाय की, तो हमें सिंपल सी बात है हमें इसके अंदर एक ब्रेकआउट लगाना पड़ेगा, एड अनदर कंडीशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज प्राइस 0, यहाँ पे डालेंगे क्रॉसेस अबव और यहाँ पे डालेंगे अपर बोलिंगर बैंड। ये हो गया आपका डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, हम इसे ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एक चेंजमेंट आपके पास होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोज 0 है, मतलब कि हमने फर्स्ट कैंडल ली है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ली है, तो यहाँ पे मिसमैच करेगा तो यहाँ पे दिक्कत देगा आपको। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसे आपको करना पड़ेगा -1 0 की जगह, और जो -1 वाला है इसे आपको करना पड़ेगा -2, मतलब कि फर्स्ट कैंडल जो 0 कैंडल होती है मैंने आपको पहले बताया था उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कैंडल, जो ये आपकी लेटेस्ट कैंडल आपको दिख रही है इसे हम 0 कैंडल बोलते हैं, जो पीछे वाली दिख रही है इसे हम -1 बोलते हैं, और उससे पीछे वाली को -2, -3, -4, -5 इस तरह से आपका स्ट्रिक के अंदर रहता है। तो यहाँ पे हमने जो क्लोज प्राइस प्रोसेस अबव अपर बोलिंगर बैंड दिया है वो हमने करंट कैंडल को दिया है, कि जब भी करंट कैंडल अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज देगी और जो मार्केट है वो एक स्क्वीज रेंज के अंदर चल रहा होगा, मतलब जो बोलिंगर बैंड की स्क्वीज के अंदर चल रहा होगा, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पे देखने के लिए ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस और परसेंटेज आप चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे कि 1% का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, और यहाँ पे अपना 10 या फिर जो भी आप डालते हैं 3% का स्टॉप लॉस टारगेट डाल दिया। वैसे हम यहाँ पे 1 डे की स्ट्रेटजी ले रहे हैं, तो इतना छोटा एसएल हमें नहीं रखना चाहिए, कम से कम 5% का आप एसएल रखिए और यहाँ पे 15% का अपना टारगेट रखिए। यहाँ पे स्ट्रेटजी का नाम आप दे सकते हैं बोलिंगर, यहाँ पे आप डाल दीजिए अपर बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट, यहाँ पे 7 फैक्टर्स आप कर सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं एक बार, इसके हिसाब से अपने कैंडल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्स 10 कैंडल्स पे देखा है, आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप 15 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे इसके पिछले लगभग 1 साल के, आई थिंक 2016 से लेके 21 तक है, सॉरी ये आपके लगभग 5 साल के रिजल्ट आपको दिखा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्रिएट करके दिखाया है, और इसके अंदर से आपको जो भी स्ट्रेटजी अपने डिप्लॉय करनी होगी पहले बता चुका हूं मैं, इस बटन पे आपको क्लिक करना है और डिप्लॉय ऑल आप कर सकते हैं, डिप्लॉय 23 की 23 आपकी हो जाएंगी, नहीं तो जिसके अंदर रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे हो सिर्फ आप उसे डिप्लॉय करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी थी आपकी 1 डे के ऊपर, इसे आप चाहें तो अपना कन्वर्ट कर सकते हैं 15 मिनट के ऊपर। यहाँ पे अपना MIS डालिए,
और यहाँ पे अपना सेवन वेक्टर्स पे क्लिक कर लीजिए। तो आपको लेटेस्ट जो 3 मंथ्स है यहाँ पे आई थिंक दिखाएगा आपको 23 मार्च से लेके आपका ये दिखा रहा है आपका 20 जून तक, आज तक का डाटा आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक के ऊपर यहाँ पे बैकटेस्ट कर सकते हैं और इस रेंज को मतलब बोलिंगर बैंड को किस तरह से आप ब्रेकआउट के ऊपर वर्क कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बार स्कैनर के ऊपर चलते हैं। देखिए स्कैनर के ऊपर भी आप ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं, जैसे कि माई स्कैन से अगर मैं बताऊं आपको बोलिंगर बैंड स्क्वीज है, इसको एडिट करें अगर हम, तो इसके अंदर हम एक कंडीशन एड कर सकते हैं कि क्लोज प्राइस यहां पर हम डालेंगे क्रॉसेस अबव और यहां पर डालेंगे अपर बोलिंगर बैंड और यहां पे हम करेंगे इसे डन। और यहां पे हम इसे चेंज कर सकते हैं, देखिए 0 है तो यहां पे हम डालेंगे -1 और यहां पे हम डालेंगे -2। तो यहीं पे आपको एक मैं दिखा देता हूं किस तरह का आपको चार्ट के ऊपर मिलेगा। अब यहां पे कोई स्टॉक ही नहीं है यहां पे जो कि मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा तो टाइम फ्रेम कम कर लेते हैं, यहां पे हम 15 मिनट का डाल लेते हैं और 15 मिनट में भी नहीं है, 5 मिनट्स का डाल लेते हैं। 5 मिनट्स के ऊपर भी यहाँ पे कोई भी आपका स्कैनिंग के अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम निफ्टी 100 की जगह निफ्टी 500 करके देख लेते हैं एक बार, इसमें से कोई ना कोई आ जाना चाहिए। यस, इसमें आए हैं आपके देखिए सिर्फ और सिर्फ 2, एक आया आपका बाला माइंस और एक आया है आपका जेन साटेक। तो बाला माइंस देख लेते हैं एक बार किस तरह की कंडीशन है इसकी। बाला माइंस और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो स्ट्रीक के ऊपर अगर आप देखें, सॉरी 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो यहां पे देखिए एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। यहां से जो आपका बोलिंगर बैंड है वो स्क्वीज हुआ, पतला होता गया पतला होता गया पतला होता गया और यहां पे आपको एक ब्रेकआउट मिला है। अब यहां से मार्केट की ऊपर जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर तक यहां तक गया भी था 2596 तक, उसके बाद मार्केट ने फिर से यहां पे रिट्रेसमेंट दिया और मार्केट जाके क्लोज हुआ आपका 2581 पे जो कि अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर है आपका। तो यहाँ पे आपकी एक बाई की ट्रेड यहाँ पे बन सकती है अगर आप चाहें विद स्टॉप लॉस ऑफ, स्टॉप लॉस आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, लोअर बोलिंगर बैंड रख सकते हैं या फिर मिडल बोलिंगर बैंड रख सकते हैं या फिर पिछली कैंडल का लो या फिर किसी कैंडल का लो आप रख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें दूसरा वो है आपका जेन साटेक, तो यहाँ पे जेन साटेक इसको भी देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहां भी देखेंगे अगर हम थोड़ा इसको ये देखिए यहाँ पे भी आपको एक परफेक्ट एग्जांपल मिल रहा है, बोलिंगर बैंड आपका स्क्वीज हुआ यहाँ पे देखेंगे आप और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप इजिली एक ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। बाकी अगर आप चार्ट देख देख के करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को स्कैन करके उसके ऊपर वर्क इजिली कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।